News 18 इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। वहां प्रशासन ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि अवैध मस्जिद और मदरसा गिराने के बाद लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। यही नहीं, पुलिस पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से वहां हालात पटरी से उतर गए। इसी वजह से हल्द्वानी के उस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल बैठक की। बताया गया कि उस बैठक में सीएम ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, अब क्या स्थिति है वहां पर? देखिए किशोर, इस स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इस समय मैं बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूं और मैं आपको दिखाऊं कि बाहर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। यानी यहां पर उन लोगों को लाया जा रहा है जो घायल हैं, यानी जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, और पूरे इलाके में इसमें फोर्स ही फोर्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर तो घायलों को लाया जा रहा है, लेकिन जो वनभूलपुरा का इलाका है, पर्टिकुलर 2 से 3 किलोमीटर का जो रेडियस है, ये यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। विशेष तौर पर जो ताज चौराहे का इलाका है, यानी वो शहर का एक तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट है, ये इस वनभूलपुरा इलाके का और शहर का, वहाँ पर जबरदस्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। और अब तो और ज्यादा सख्त आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं और कई सारे घायल लोगों को यहाँ पर अभी लाया जा रहा है। यानी पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, कई सारे ऐसे लोग थे जो कार्रवाई के लिए वहां पर गए हुए थे, प्रशासन की टीम वहां पर गई हुई थी, लेकिन वो सब लोग इस समय कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालने के लिए पुलिस फोर्स वहां पर मौके पर इस समय पहुंची हुई है। इसके अलावा जितने भी पुलिस फोर्स आसपास की पेरीफेरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, विशेषकर उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां से पुलिस फोर्स को मूव किया गया है हल्द्वानी के लिए। और जहां पर आगजनी हुई थी, वहां पर अभी क्या स्थिति है? देखिए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आगजनी 2 पॉइंट्स पर हुई। एक तो वनभूलपुरा थाना, जिसमें दंगाई घुस गए और उन्होंने पूरी तरीके से इस थाने की बिल्डिंग को एक तरीके से आग के हवाले किया है। बाहर का इलाका पूरी तरीके से, जो गाड़ियां खड़ी थी पुलिस की, वो आग के हवाले कर दिया गया। उसके अलावा जहां पर कार्रवाई हुई थी, वहां पर पुलिस और प्रेस की जो गाड़ियां थी, लगभग 20 गाड़ियां बताई जा रही है, जिनको आग के हवाले कर दिया गया। हम भी वहां पर किसी तरीके से जान बचाकर उस इलाके से बाहर निकले और कई सारे जो लोग घायल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो लोग जान बचाकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो ऐसा खौफनाक मंजर किशोर बता रहे हैं कि वो बयां भी नहीं किया जा सकता। किस तरीके से उनके साथ वहां पर जाती की गई है, किस तरीके से वहां पर उनके साथ अत्याचार किए गए, किस तरीके का व्यवहार किया गया, यहां तक कि करंट तक लगा दिया गया। ऐसी घटनाएं वहां पर, वहां से जो लोग लौट के आए हुए हैं, हमारे साथ के पत्रकार आए हुए हैं, वो ऐसी घटनाएं बता रहे हैं कि हम बता भी नहीं सकते, बयां भी नहीं कर सकते, इतना खौफनाक मंजर है। और यहाँ पर इस समय ये जो भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक एक कर जो लोग घायल यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर जो जानने वाले लोग हैं वो एक दूसरे की कुशल बात लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक तरीके से हल्द्वानी शहर में इस समय या तो पुलिस की गाड़ियाँ उनका सायरन सुनाई दे रहा है, या फिर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच वनभूलपुरा इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस बिल्कुल सख्त है, आसपास की जो जिलों की टीम है वो तो मूव की गई है, साथ ही पीएसी के जवानों को और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी मूव किया गया है कि जल्द से जल्द शहर में पहुंचें और शहर की स्थिति कंट्रोल में की जा सके।